In the previous uh, topics, we have discussed that uh, it is very much important for human resource management to be responsive to culture because human resource management is that soft aspect of organization that is affected by the national culture. so in this topic, we are going to look at the broad um, aspects of an, organize, of, of an organization that are effect, affected by the national culture and the specific human resource management issues which are affected by the national culture of a. Country. So, the soft aspects of organization, the general concepts, and the specific concepts of human resource management. Alright, so in this uh, uh, table we have. Uh, क्लासीफाइड द ब्रॉड इम्प्लॉय मैनेजमेंट ईशूज़ ऑन वन साइड एंड इन द अदर कॉलम वी हैव स्पेसिफाइड द पर्टिकुलर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इशूज़ दैट आर अफेक्टेड बाई द नेशनल कल्चर सो पहली चीज़ जो आपको ब्रॉड इम्प्लॉय मैनेजमेंट ईशूज में नज़र आ रही है दैट इज़ द मैनेजमेंट स्टाइल आपका जो कल्चर है वो आपके मैनेजमेंट स्टाइल को बहुत सिग्निफिकेंटली इफ़ेक्ट करता है सो so, आपका कल्चर अगर आप कलेक्टिविस्ट कल्चर से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे पार्टिसिपेटिव कल्चर होगा अगर आपका पावर डिस्टेंस ज़्यादा है तो वहाँ पॉसिबिलिटी है कि पटर्नलिस्टिक कल्चर होगा या ऑटोक्रेटिक कल्चर होगा अगर आपका कलेक्टिविस्टिव कल्चर है तो पार्टिसिपेटिव या कंसल्टेटिव कल्चर होगा सो आपका जो मैनेजमेंट स्टाइल है वो आपके नेशनल कल्चर से इफ़ेक्ट होता है उसके अलावा आपका जो अथॉरिटी स्ट्रक्चर है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अथॉरिटी सेंट्रलाइज्ड है या डी है ये भी आपके नेशनल कल्चर से रिलेट करती है अगर आपके नेशनल कल्चर में पावर डिस्टेंस ज़्यादा है लोग अथॉरिटी को एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं लोग अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं करना चाहते या लोग अथॉरिटी डेलीगेट करते हुए इनसिक्योर फ़ील करते हैं या अथॉरिटी के साथ और जो हैं वो आपके बेनिफिट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं तो फिर ऐसी सिचुएशन में ऐसे कल्चर में डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकती और सिमिलरली अगर आपके कल्चर में ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो वहाँ भी डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकती इसीलिए आप ये देखते हैं कि पाकिस्तानी कल्चर में अभी तक ऑर्गेनाइजेशन में सेठ मैनेजमेंट स्टाइल जो है वो दैट इज़ ऑन गोइंग उसकी वजह क्या है क्योंकि सेठ जो है वो डिसेंट्रलाइज नहीं कर सकता क्योंकि आपका कल्चर जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है जब आप जो है अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं तो निचले लेवल पर लोग करप्शन शुरू कर देते हैं रिश्वत लेना शुरू कर देते हैं अनफेयर मीन्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं इनजस्टिस शुरू कर देते हैं सो so ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको लिमिट uh, कर कर देती हैं कि आप किस डिसेंट्रलाइजेशन और अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हैं उसके बाद आपका जो नेशनल कल्चर है वो आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है आपका नेशनल कल्चर अगर फॉर्मेलिटी को पसंद करते हैं लोग तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी फॉर्मल स्ट्रक्चर्स के ऊपर बेस्ड होगा हरारकल होगा लेकिन अगर लोग इनफॉर्मेलिटी को पसंद करते हैं फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन कल्चर में इनफॉर्मेलिटी uh, जो है वो दैट इज हायर ऑन ऑन द हायर साइड सो दे प्रेफर नेटवर्क सॉर्ट ऑफ ऑर्गनाइजेशन देन योर नेशनल कल्चर इट अफेक्ट्स योर लीडरशिप स्टाइल वेदर द लीडर इज गोइंग टू बी टास्क ओरिएटेड और एम्प्लॉय ओरिएटेड

जो है वो लोगों को सपोर्ट करने वाला कल्चर जो है वो एग्जिस्ट करता है उसके अलावा जो आपका नेशनल कल्चर है ब्रॉड एम्प्लॉय मैनेजमेंट इश्यूज में इम्प्लॉय रिलेशनशिप जो है वो कंपनी के साथ उनको अफेक्ट करता है साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है आपकी सीएसआर पॉलिसीज़ को अफेक्ट करता है तो इमोशनल है या कॉन्ट्रैक्चुअल है सो so अगर आपका कलेक्टिविस्ट कल्चर है उसमें आपके इम्प्लाईज़ का रिलेशनशिप जो है वो इमोशनल आपका रिलेशनशिप होगा कंपनी के साथ अगर इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है तो ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी है कि कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होगा यानी उसके अंदर फॉर्मेलिटी होगी उसके अंदर आप आ, अपने रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स को कंसिडर करेंगे और आपकी कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बेहद अगर आपका कलेक्टिविस्ट कल्चर है जिसमें आप सपोर्ट करते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को uh, तो उसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो रिलेशनशिप uh, है इम्प्लॉय के साथ उसमें पॉसिबिलिटी है कि पीपल विल बी इमोशनल अबाउट द रिलेशनशिप विद द ऑर्गेनाइजेशन सो दीज आर बेसिकली द ब्रॉड इम्प्लॉय मैनेजमेंट इशूज विच आर द सॉफ्ट एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड विच टेन टू बी एफेक्टेड बाई द नेशनल कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन now talking about the specific human resource management issues your national culture it affects a number of aspects of your human resource management and uh, it actually affects all the aspects of your human resource management which is the staffing policies recruitment selection remuneration motivation what are the job expectations that is affected by the national culture training and development, how your performance is, uh, is, is calculated, how your promotion is done, what are the retirement benefits which are offered, what are the redundancy and layoff values, what are the industrial relations and how are foreign assignments given. For example, if we talk about Pakistani culture, the private sector does not provide retirement benefits you have, you provide. Uh, because there is no national policy. लेकिन अगर आप develop, अगर आप जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी बात करें तो वहाँ पे एवरीबॉडी इज़ सपोज टू गेट रिटायरमेंट बेनिफिट्स वेदर दे आर वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक सेक्टर कंपनी सो रिटायरमेंट बेनिफिट जो हैं वो सबको मिलते हैं दे हैव टू वर्क एट द एज ऑफ सिक्सटी और वट एवर इज़ द नेशनल रिटायरमेंट एज और उसके बाद द गवर्मेंट एंड द नेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग आफ्टर